Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main Fatima aapko apne Noshahi kitchen mein karti hoon welcome. To aaj apni kitchen mein hum jo bana rahe hain wo hai masoor ki dal. To uske liye hame jo ingredients chahiye aaiye unhe note down kar lete hain. Sabse pehle mere paas hai 1 kilo masoor ki dal. Aap isko dho ke acche se bhigo lijiye. Uske sath mere paas hai 1 kilo pani aur masalon mein hame jo chahiye 1 chamach रेड मिर्ची, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्ची, दो तीन ब्राउन चिलीज और उसके साथ मेरे पास ये ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक. इसकी हम पेस्ट बनाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पानी और तमाम मसाले. पानी अपनी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं. पानी अब इसमें कम है, इतना ही पानी इसमें और डालेगा. पानी और अब हम इसको पकने देंगे. अभी हमारी दाल में पानी हो जाएगा तो मैंने थोड़ा और पानी डाला क्योंकि ये दाल हमारी रेगुलर अमाउंट में बहुत ज्यादा है. ये एक किलो से भी ज्यादा दाल है तो पानी भी उसी हिसाब से इसमें जाएगा. बस अभी कुछ और देर लगेगी इसको गलने में तो हमारी दाल हो जाएगी रेडी. तो जैसे ही तैयार होती है तो फिर हम आपको इसका लुक दिखाते हैं कि कैसे बने. माने रहे तो दाल हमारी पकने के बिल्कुल पास पास है. बस और 5 मिनट तक हम जो है इसको तड़के के लिए रेडी कर लेंगे. माने रहे तो दाल हमारी जगह पक चुकी है. अब ये उसका बघार है जिसके लिए मैंने एक डली का प्याज लिया है और उसको मैंने स्लाइस कर लिया है. बहुत ज़्यादा बारीक है ये, आप देख सकते हो. ये थोड़ा सा मेरे पास धनिया है, जिंजर का एक टुकड़ा है और एक ग्रीन चिली है. और इसकी जो तड़के के लिए मैं यूज़ करूँगी मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी. आप अपना रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम आपको दिखाते हैं इसको तड़का लगाने के बाद. माने रहे अब हम दाल को देंगे बघार. ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो. मेरे पास ये ऑलिव ऑयल है तो मैं इसको हाफ कप मेजर करके ऑलिव ऑयल डालूँ. रेगुलरली तो हम लहसुन का तड़का लगाते हैं लेकिन ऑलिव ऑयल जो है, सॉरी अनियन जो है, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है. इसलिए आज मैं इसको अनियन की बघार दूँगी. जैसे ही हमारे अनियन जो है लाइट ब्राउन होंगे तो इसकी बघार में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला है, जायफल जावित्री का पाउडर है, थोड़ा सा जीरा है और एक चीज़ मैंने इसमें ऐड किए हुए थोड़ा सा सिट्रिक एसिड. ये इतना हार्मफुल तो नहीं है लेकिन ये टेस्ट बहुत अच्छा देगा आपकी दाल के अंदर. डिश आउट कीजिए और मज़े के साथ खाइए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए. फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ. अल्लाह हाफिज़. और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा. अस्सलामु अलैकुम.